मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आशुतोष श्रीवास्तव आज HTML के थर्ड सेशन में MarQ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो MarQ एक्चुअल में आपके टेक्स्ट को मूव कराने के पर्पस से यूज़ होता है। तो HTML में जैसे आपने बहुत सारे पेजेस देखे होंगे, उसमें कोई भी मैसेज अप या डाउन की तरफ या इमेज को मूव करते हुए आपने अक्सर देखा होगा, तो वो कॉन्सेप्ट किस तरीके से क्रिएट किया जाता है वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं आपको टेक्स्ट भी चला कर दिखाऊँगा और कोई इमेज को भी चला के दिखाऊँगा। तो चलिए हम देखते हैं कि हम किस तरीके से MarQ यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर नोट पैड ओपन करके रखा हुआ है पहले से। मैं नोट पैड को ओपन करूंगा। हमारे पास ये नोट पैड रखा हुआ है। मैं इस नोट पैड पे सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा HTML, HTML को क्लोज किया और इसके बीच में मैंने यहाँ पर हेड किया। और हेड को मैंने क्लोज किया इसके बीच में मैंने टाइटल बनाया और टाइटल को भी क्लोज कर देंगे। और मैंने यहाँ पर लिखा MarQ कि आज मैं MarQ पर डिस्कशन कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे हेडिंग बना दी MarQ। अब मैंने बॉडी यूज़ किया और बॉडी टैग को क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर मैं MarQ यूज़ करूँगा, MarQ MarQ। पहले मैं आपको सिंपल तरीके बता रहा हूँ कि किस तरीके से। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर HR भी ले लेता हूँ, एक हेडिंग बना दूँगा जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा हर चीज़। मैंने यहाँ पर हेडिंग बना दी और नाम लिख दिया MarQ टॉपिक। और उसके बाद मैंने इसको सेंटर पे ले लिया और सेंटर को मैंने क्लोज कर दिया है कंट्रोल एस। अब ये इसके बाद मैं यहाँ पर MarQ यूज़ करूँगा और मैंने यहाँ लिखा वेलकम टू आशुतोष सॉफ्टवेयर ट्रेनर। और मैंने MarQ को क्लोज किया। अब मैं इसको रिफ्रेश करके एक बार चेक करूँगा कि हमारे इस प्रोग्राम में कहीं पे क्या आउटपुट आ रहा है। हमारे प्रोग्राम का ये आउटपुट आ रहा है कि हमारा जो राइट टू लेफ्ट ये MarQ देखिए यहाँ पर रन कर रहा है इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ और इसको बोल्ड कर देता हूँ तो देखने में और अच्छा लगेगा। और इसको भी मैंने बोर्ड को क्लोज कर दिया है और यहाँ पर मैं इसको H1 टैग में कन्वर्ट कर देता हूँ। और इसको मैं फॉन्ट कलर दे देता हूँ तो और अच्छा लगेगा। जब मैं आगे CSS पढ़ाऊँगा तो CSS के थ्रू CSS में का यूज़ करके MarQ को चला कर फिर से मैं दिखाऊँगा आपको। तो अभी मैं बेसिक तरीके से सिखा रहा हूँ आपको। मैंने यहाँ पर ले लिया और फॉन्ट को मैंने क्लोज कर दिया है। तो ये जो फॉन्ट कलर मैंने यूज़ किया है, फॉन्ट एक एलिमेंट है और कलर उसका एट्रीब्यूट है जिसके थ्रू ये फॉन्ट का कलर चेंज कर रहा है। अब हम इसको, ये जो मैंने यूज़ किया है, आप इसको एक बार देख सकते हैं कि इसके में क्या चेंजेस हुआ है। इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ।
ये देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से चेंज हो चुका है। अब इस जगह पर हमने इसको कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैंने अगर इसके अंदर मैं विद का यूज़ कर दूं तो ये साइज़ बढ़ा देगा। मैंने इसको 50% कर दिया। सेव करके मैंने इसको रिफ्रेश किया, इसको मैंने रिफ्रेश किया। तो ये देखिए इसका फॉन्ट यहाँ पर चेंज हो गया है। अब इसी जगह पर मैं इसे कॉपी करके पेस्ट कर दिया और अब कि मैंने यहाँ पर जो राइट से आ रहा है मैंने इसका डायरेक्शन सेट कर दिया, डायरेक्शन इक्वल टू RIGST राइट कर दिया है। अब देखिएगा एक काम और करता हूँ, उस जगह मैं बिया नहीं, इसको मैंने इसे रन करा देता हूँ और ये रिफ्रेश किया। अब जरा देखिएगा एक लेफ्ट साइड से आ रहा है जिसका मैंने देखिए ध्यान से ये लेफ्ट साइड से आने लगा, बिकॉज रीज़न कि वो इसलिए आ रहा था लेफ्ट साइड से आने लगा क्योंकि मैंने उसका डायरेक्शन राइट दिया। बाय डिफॉल्ट जो वो रन कर रहा है वो राइट साइड से रन कर रहा है, तो हमने उसका डायरेक्शन राइट किया तो जब डायरेक्शन मैंने इसका राइट कर दिया तो ये राइट साइड की तरफ जाने लगा और बाय डिफॉल्ट वो राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा था। अब मैंने यहाँ पर इस जगह पर यूज़ किया मार्क्यू बिहेवियर इक्वल टू, मैंने इसके अंदर लिख दिया ALTERNATE अल्टरनेट और मैंने इसको क्लोज करके सेम मैसेज को यूज़ किया और मार्क्यू को क्लोज किया। अब यहाँ ज़रा देखिए कि मैं आपको पहले दिखा दूँ कि अभी क्या अभी ये जो मैटर रन कर रहा है ये देखिए ये गायब हो जा रहा है, लेकिन जब मैं इसको रन कराऊंगा अब ज़रा ध्यान से देखिएगा जो नया मैटर ऐड हो रहा है उसके उस पर क्या चेंजेस हैं। तो बिहेवियर इक्वल टू अल्टरनेट का मेन पर्पज़ होता है कि वो गायब नहीं होगा, वो लास्ट बॉडी से लड़कर फिर से वो मूव करने लगेगा बिना मतलब हिडन हुए। अब देखिएगा इस जगह पर सॉरी स्पिन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये वाला मूव कर रहा है यहां से लड़के से यहां से वापस आ गया है, तो ये हमारा बिहेवियर को टू अल्टरनेट के जरिए ऐसा हुआ है। अब देखिए वापस हो गया ये वाला। अब हम क्या करते हैं पाई की मैं ले रहा हूँ, मैं इस पाई को इंच की पर, तो मेरे पास एक में है ये वाली, मैं इसको राइट करके पहले उसको उसी वेब पेज पर जाऊँगा, सॉरी उस ब्राउज़र पर चलाऊँगा जिसमें हमारा वेब पेज चल रहा है, तो क्रोम पे चल रहा है। तो पहले मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन विद करके इसको चला कर देखूँगा कि ये लोड ले रहा है कि नहीं वहाँ पर। यहाँ पर मैंने इसको चला कर और इसका URL को कॉपी कर लूँगा। मैंने ये आ रही है इमेज, मैंने इसको कॉपी किया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा MARQU